मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक टॉपिक टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, समसामयिक है, आवश्यक है और मित्रों के आग्रह और जिज्ञासाओं के समाधान में सक्षम। टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है, कोई भी घटना कब घटित होगी जानने का सही सूत्र। When will any event happen, the right formula to know। या मित्रों, बहुत से मित्रों ने आग्रह किया था कि घटना को, इवेंट को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका कोई सही सूत्र या नियम बताइए। कई मित्रों ने सूर्य और चंद्रमा के गोचर का जो मेरे वीडियो था उस पर कमेंट किया था कि घटनाओं का कालखंड सटीक नहीं सिद्ध होता। मित्रों, गोचर पद्धति को मैंने परंपरागत ज्योतिष से लिया था। जगन्नाथ, डॉक्टर जगन्नाथ भसीन का सिद्धांत, लॉजिक मुझे अच्छा लगा, उसमें मैंने दिया था, बताया। लेकिन मेरे अध्ययन और अनुभव में जो चीजें आती हैं, मैं हमेशा खोज करता रहता हूं और जब उसका नियम और सूत्र सही मिल जाता है तो उसको मैं बताता भी हूं, और जो नियम कहीं त्रुटिपूर्ण हैं या नहीं घटित हो रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करता हूं। तो विस्तार में न जाकर के आज ये बताना चाहूंगा कि इवेंट के सही कालखंड को कैसे तिथि समय तक निर्धारित किया है, दिन नक्षत्र। वीडियो में केपी सिस्टम में भी बताया गया है, घटनाएं मूलतः दशानाथ द्वारा ही घटित होती हैं। दशा अंतर दशा, जो दशानाथ है अंतर दशानाथ है, उसके राशि नक्षत्र से जब गुरु का, सूर्य का गोचर होता है तब वो घटनाएं घटित होती है। उदाहरण के लिए जिस जातक की कुंडली मैंने दिया है, अभी उस पर चर्चा करता हूं। जातक पर सूर्य की महादशा, बुध की अंतरदशा में जातक को नौकरी मिली। इस नियम के अंतर्गत सूर्य के राशि से और बुध के नक्षत्र से, या बुध की राशि से सूर्य के नक्षत्र से जब सूर्य का गोचर होगा तो उसी महीने में घटना घटित होगी। लेकिन मित्रों, इस जातक को धनु राशि के सूर्य में नौकरी मिली तो और भी अनेक कुंडली के अध्ययन और शोध के बाद मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा कि ये तो सत्य है कि सूर्य के दशानाथ की राशि और अंतर दशानाथ के नक्षत्र से, या अंतर दशानाथ की राशि और दशानाथ के नक्षत्र से घटना का कालखंड निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन उस गोचर काल में, उस एक महीने में अगर प्रत्यंतर दशानाथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, निगेटिव है, तो घटना कैसे घटित होगी? तो उसके लिए सूर्य आपका घटना का जिम्मेदार नहीं बनेगा, बल्कि मेन घटना दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण पर निर्भर। तो सूक्ष्म और प्राण में न जाके हम चंद्रमा का सहयोग लेते हैं तिथि के, किस दिन घटना घटित होगी। अब चूंकि दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर को देखना इसलिए आवश्यक है कि बहुत सी दशाएं ऐसी होती है जिसकी अंतर दशा दो दो साल की होती है। शुक्र का, शनिश्चर का, बृहस्पति का, राहु का, केतु का, तो इस दो साल में घटना कब घटित होगी तो इसके लिए प्रत्यंतर को देखना जरूरी। तो मित्रों, जब प्रत्यंतर भी देखना है तो जिस प्रत्यंतर में घटना घटित होगी
उस समय सूर्य का गोचर उस राशि में संभव नहीं है जो राशि और नक्षत्र का सूत्र है। इस नाते नए सूत्र से नया सूत्र बिल्कुल नहीं है, केपी सिस्टम का सूत्र है। आज मैं आपको अवगत कराऊंगा, आइए आगे बढ़ते हैं। जातक मेरे घर का ही मतलब मेरे पुत्र ही है, तो इस जातक का डेट ऑफ बर्थ 5/1/1981 है, टाइम ऑफ बर्थ 3/44/10 AM है, प्लेस ऑफ बर्थ बांसी यूपी इंडिया है। मैं घटनाओं को इवेंट को बहुत करीबी लोगों का इसलिए देता हूं कि ताकि जन्म का समय या कोई चीज भ्रामक ना। अब जातक का जन्म समय यह है, इसके आधार पर चार्ट मैंने तैयार किया। जातक का की नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई अध्यापक पद पर, ये कब हुई? 24/12/2009 को 11 AM पर नियुक्ति पत्र मिला। अब 24/12/2009 को 11 AM पर किस ग्रह की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा थी उसको हमने देखा, तो सूर्य की दशा बुध की अंतर दशा बृहस्पति का प्रत्यंतर था। अब हमने अभी बताया कि सूर्य की दशा सूर्य की राशि में सिंह में बुध होता ही नहीं है, बुध की राशि में सूर्य होता है, लेकिन उस समय हो सकता है प्रत्यंतर दशा स्वाभाविक नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, नाते वो कालखंड चल गया। अब इस जातक का नौकरी मिली बुध के प्रत्यंतर में जो धनु राशि में सूर्य था, तो वो चर्चा हमने किया, इसको कैसे घटित करना है या आपको कैसे घटित करना है कि अगर प्रत्यंतर सपोर्ट नहीं कर रहा तो सूर्य किस राशि में होगा, चंद्रमा कहाँ होगा, इसको देखने के लिए उसको तो आप देखिए उस नियम को। लेकिन सबसे सरल नियम और सही नियम यह है कि दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, जैसे सूर्य बुध और बृहस्पति, देखिए सूर्य में 2 दशा है, आप देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, यहां भी 11 है, सूर्य में 2 दशा है, इसके ऊपर नक्षत्र स्वामी, बृहस्पति में भी 1, 2, 5 है, अर्थात 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव नौकरी के लिए होना चाहिए। बुध में भी 2, 11 है, उपनक्षत्र स्वामी शनिश्चर है, शनिश्चर में भी देखिए 10, 3, 4 है। अब बृहस्पति में भी 10, 2, 5 है, अर्थात 2, 10, 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध और बृहस्पति में। यह अलग विषय है, शनिश्चर में क्यों नहीं हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ, उस पर विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। मतलब सूर्य बुध और बृहस्पति महादशानाथ अंतर दशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ तीनों उस घटना को घटित करने में समर्थ है। यहां यह देखना होगा कि ये तीनों दशा अंतर और प्रत्यंतर दशा नाथ जिस कालखंड में जिस समय एक दूसरे के राशि नक्षत्र और रूप नक्षत्र में से किसी में से हो या संभव, इसके लिए आपको नियम ये देखना है कि जो शीघ्र गति वाले ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, ये तो राशि नक्षत्र उप नक्षत्र तीनों आप देख सकते हो, मेनली राशि नक्षत्र को देखिए, लेकिन जो दीर्घ गति वाले ग्रह हैं जैसे बृहस्पति शनिश्चर राहु और केतु, इनको सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र ये शीघ्र गति है, बृहस्पति शनिश्चर राहु और केतु ये धीमी गति, ये एक राशि में एक नक्षत्र में बहुत दिनों तक रह जाएंगे तब तक आपकी भुक्ति ही खत्म। तो इस समय आपको इन ग्रहों का उप नक्षत्र देखना जरूरी है। जैसे इसमें बृहस्पति का प्रत्यंतर है तो बृहस्पति के उप नक्षत्र को देखना है, कभी कभी नक्षत्र की चेंद्री होती तो नक्षत्र उप नक्षत्र की जोड़ी बनाइए, और सूर्य और बुध शीघ्र गति वाले ग्रह हैं, इस नाते इनको राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में टैली करिए।
ये तीनों ग्रह जब एक दूसरे के राश नक्षत्र उप नक्षत्र में जिस दिन जिस हो जिस समय होंगे और चंद्रमा जिस दिन इसी कालखंड में इन्हीं ग्रहों के राशि नक्षत्र को सपोर्ट करेगा उस दिनों घटना घटित होगी। आइए इस जातक की 24/12/2009 की घटना को देखिए और कैसे घटना घटित हुई है। देखिए 24/12/2009 को सूर्य धनु राशि में है, 8 अंश 38 कला 7 विकला, अर्थात सूर्य बृहस्पति की राशि में, केतु के नक्षत्र में, बृहस्पति के उप नक्षत्र में शुक्र, अर्थात जो प्रत्यंतर दशानाथ बृहस्पति है उसके राशि और उप नक्षत्र में सूर्य है, एक तो मिल गया। बुध जिसकी अंतर दशा है, बुध धनु राशि में ही है, उप नक्षत्र प्रत्यंतर दशानाथ के घर में ही है, 27/23/59। बुध जो है बृहस्पति की राशि और सूर्य के नक्षत्र में, अर्थात महादशानाथ के नक्षत्र में और प्रत्यंतर दशानाथ के राशि में, ये भी मिल गया। अब बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति कुंभ राशि में है, 00/55/47 पर शनि की राशि, मंगल के नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में बृहस्पति है। हमने बताया है कि बृहस्पति चूंकि शीघ्र गति मंद गति ग्रह है, इस नाते उसके उप नक्षत्र पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए बृहस्पति का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, बुध मिल गया। अब शनि क्यों खबर किया बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति और शनि एक दूसरे के समान अंशों पर है। बृहस्पति कन्या राशि में कुंडली, देखिए बृहस्पति और शनिश्चर एक ही साथ बैठे हैं, बृहस्पति बैठा है 16 अंश 16 कला 56 विकला पर और शनिश्चर बैठा है 16 अंश 7 कला 24, अर्थात समान अंशों पर बैठा हुआ है। समान अंशों पर बैठे हुए ग्रह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं, एजेंट का काम करते हैं। तो इस नाते बृहस्पति शनि की राशि में जब गया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और बुध के उप नक्षत्र में गया, अर्थात सूर्य बुध और बृहस्पति तीनों जो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर के स्वामी है, एक दूसरे के राशि या नक्षत्र या उप नक्षत्र में है, तीनों में से किसी से रिलेटेड है। तो और चंद्रमा भी देखिए उस दिन मीन राशि में है, चंद्रमा मीन राशि में है, बृहस्पति के ही राशि में और बृहस्पति के ही नक्षत्र में और सूर्य के उप उप नक्षत्र। देखिए 4 स्टेप है, इसको चारों कदम पर देख रहे हैं, अर्थात दशा अंतर प्रत्यंतर और चंद्रमा चारों ने सहयोग किया और उस दिन 24/12/2009 को 11 AM पर ये घटना घटित हुई। 11 AM के बाद चंद्रमा निश्चित रूप से अपना बदल देता या अन्य ग्रह बदल देते अपने उप नक्षत्रों को। तो बृहस्पति देखिए, चंद्रमा बृहस्पति की राशि नक्षत्र में 10 मिनट में ही थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो ये ज्योतिष का बहुत सटीक सूत्र है घटना को निर्धारित करने में, भविष्य में आने वाली घटनाओं के या बीत चुकी घटनाओं पर ही जब आप कुंडली कसोगे, भविष्य वाला तो आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन बीते हुए वाले को आप झूठ नहीं बोल सकते, झुठला नहीं सकते। अगर इन सूत्रों को आपने अंगीकार कर लिया तो निश्चित रूप से आप कुशल एवं सफल ज्योतिषज्ञ हो जाओ। और मित्रों आगे बढ़ने से आप मित्रों आपसे अनुरोध है, मैं भूल गया, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन और आल के बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, इन नाते बहुत बहुत आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः एक नया वीडियो लेकर के आपके आग्रह के अनुसार उपस्थित होऊंगा। 12 दिन इसमें समय इसलिए लगा है कि ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो है कि इसमें कई लोगों की कुंडलियों को मैंने सर्च करके इस सूत्र को इस नियम को सपोर्ट किया है।
आशा है आप इसको संज्ञान में लेते हुए इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना।